गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास सिक्स के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। सिक्स में एक्सरसाइज 11 का मैंने सब क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। एक्सरसाइज 12 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और जो कुछ शेष है 12 का शेष 13, 14, 15, 15 तक ऑफलाइन जो क्लास करेंगे उसमें उसको सॉल्व कराया जाएगा, क्योंकि उसको ऑनलाइन क्लास उस तरह का आप लोग को नहीं समझाया जा सकता है जिस तरह ऑफलाइन में समझाया जाता है। इसीलिए एक्सरसाइज 16 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 16 का एक नंबर जो क्वेश्चन है, 16 में हम लोग को पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में समझना है। ट्रायंगल हैज थ्री साइड, ट्रायंगल में थ्री साइड होते हैं, थ्री कॉर्नर होते हैं, क्या होते हैं सब में थ्री। और ये भी जान लीजिए द साइड ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए यहां पे ट्रायंगल का फिगर बना दिया ए बी सी। ट्रायंगल के थ्री जो कोण होते हैं एंगल, तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर एक देखिए, टेक थ्री नॉन कोलिनर पॉइंट, मान लीजिए हम थ्री कोलिनर पॉइंट ले लिए ए बी सी, इसी फिगर थ्री को सॉल्व कराते हैं। पॉइंट ए बी सी ऑन ए पेज ऑफ योर नोटबुक ज्वाइन ए बी बी सी एंड सी ए। ए बी बी सी और सी ए से क्या है ज्वाइंट हो गया है, हो गया। व्हाट फिगर डू यू गेट। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, द साइड अपोजिट टू एंगल सी, द साइड अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है उल्टा। द साइड अपोजिट ऑफ एंगल सी, एंगल सी का उल्टा क्या है, इसके पीछे क्या है अपोजिट ए बी, वन का वन। द साइड अपोजिट ऑफ एंगल सी इज क्या है ए बी लिख देना है। सेकेंड सेकेंड नंबर देखिए, द एंगल अपोजिट टू द साइड बी सी, और बी सी बी सी के अपोजिट क्या है एंगल ए है। क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग ध्यान से देखिए, द मेजर ऑफ द एंगल टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 72 डिग्री एंड 58 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। यानी कि त्रिभुज का फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहां ध्यान से देखिए ए बी सी थ्री एंगल मैंने दिखा दिया और यहाँ पे दर्शाया गया है इस जो फर्स्ट एंगल है कितना 72 डिग्री है, सेकेंड एंगल 58 डिग्री और थर्ड एंगल का माप ज्ञात करना है कि तीसरा कोण कितना होगा। तो मैंने फर्स्ट रूल में ही बता दिया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग द सम ऑफ थ्री एंगल्स आर 180, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। इसी को यहाँ पे पहले लिखेंगे, कैसे देखिए
द मेजर ऑफ टू एमएस ऑफ द ट्रायंगल ट्रायंगल इज कितना है 72 डिग्री 58 डिग्री है ना। अब थर्ड एंगल ज्ञात करना है। लेट थर्ड एंगल क्या है एक्स मान लीजिए। अब देखिए आप ध्यान से द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे टू कोण दिया है, तीसरा भी यहाँ पर मैंने एक्स मान लिया है। 72 डिग्री प्लस 58 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180। अब देखिए ध्यान से पहला एंगल लिख दिए, दूसरा एंगल भी लिख दिए, और जो तीसरा एंगल जो मैंने लेट माना था कि थर्ड एंगल एक्स उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब तीनों कोणों का योग तब 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो पहले एक्स जब दिया तो तीसरा कोण हमें प्राप्त नहीं है, तो तीसरा कोण कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। 8 × 2 = 10 यानी 175 2 × 1 = 30 एक्स इक्वल टू 180। अब एक्स का मान ज्ञात करने के लिए 180 अजय 130 से इसको इधर भेज देंगे। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब यानी कि थर्ड एंगल ऑफ द एंगल इक्वल टू 50 डिग्री है ना। आंसर ले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो गया। थैंक्स। अब जो शेष क्वेश्चन बचा है अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।